हेलो फ्रेंड्स, आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सीखेंगे इफ़ फार्मूला, इफ़ और एंड इफ़ एंड फार्मूला पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डेटा है हमारे पास, इसमें कुछ एम्प्लॉय है, इस एम्प्लॉय के कुछ बेसिक सैलरीज हैं। इसमें हमने कंडीशन लगाना है कि अगर कोई एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी 20,000 है और या फिर 20,000 से ज़्यादा है तो उसको बोनस मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो वहाँ पर क्या लगेगा फार्मूला, जैसे कि आप यहाँ पर इक्वल टू ग्रेटर देन लिखते हैं और इसका होना चाहिए आपको 20,000। तो यहाँ पे जो फार्मूला हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पे पकड़ेंगे इफ फार्मूला। तो इक्वल टू इफ, इफ के बाद देखिए क्या करते हैं, लॉजिकल टेस्ट। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा बड़ा करके। यहाँ पे इक्वल टू इफ, इफ क्या कहते हैं, लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू ट्रू होगा और या फॉल्स होगा। तो यहाँ पे इफ़ के बाद हमें जो सेलेक्ट करना है वो बेसिक सैलरी सेलेक्ट करना है, क्योंकि हमें इसके अकॉर्डिंग है। तो बेसिक सैलरी में जो भी अमाउंट होगा उससे कोई लेना देना नहीं है, उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप रिजल्ट निकाल लेगा। तो हमें क्या करना है, इस सेल को सिलेक्ट करना है, यानी कि C2 सेलेक्ट करना है। अब C2 इक्वल टू ग्रेटर देन 20,000 और उसके बाद हम कॉमा देंगे, ये वैल्यू ट्रू वाला हो गया, वैल्यू ट्रू कॉमा, तो ट्रू वैल्यू में क्या होगा, यस। अब यस देना चाहते हैं। अब क्या होता है कि जब कोई लेटर लिखना होता है या कोई सेंटेंस लिखना है तो आपको इन्वर्टेड कॉमा में के अंदर देना होता है। अगर कोई नंबर होगा तो फिर इन्वर्टेड कॉमा की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद फिर कॉमा, कॉमा देने के बाद फिर हम यहाँ नो लिखेंगे और नो भी आपका इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा। इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ नो और देन इन्वर्टेड कॉमा। अब इसके बाद ब्रैकेट बंद करने की आवश्यकता नहीं है। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, ड्रॉप डाउन करेंगे। अब देखिए, जिसकी सैलरी 25,000 है बोनस मिल गया, 22,000 है बोनस आ गया, 35,000 है बोनस यस है, 21,000 है बोनस यस है। जिसका 20,000 से बिलो है उसको बोनस नहीं मिल रहा है। तो इसमें आप देखेंगे कि C2 को हमने क्राइटेरिया रखा है और उसके बाद कंडीशन दिया है कि इक्वल टू ग्रेटर देन होना, यानी 20,000 होना चाहिए, 20,000 से ज़्यादा होना चाहिए। और अगर 20,000 है या ज़्यादा है तो यस बोनस मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो ये कंडीशन हो गया। अब चलते हैं हम इफ और, इफ एंड और इफ और में। इफ एंड इफ और में हम जाते हैं, इसमें भी इसमें मल्टीपल कंडीशंस लग रहा है। यहाँ पे है कि मैनेजर है, मैनेजर भी होना चाहिए और सैलरी 20,000 से अबव होना चाहिए, ज़्यादा भी होना चाहिए, यानी कि दो कंडीशंस लग रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले जो पहले का फार्मूला है इसको हम रिमूव करते हैं। अब यहाँ पे जो फार्मूला हम यूज करेंगे इसमें करेंगे इफ एंड। इफ एंड का मतलब होता है कि आपको दोनों कंडीशन मैच होने चाहिए, कि मैनेजर भी हो और उसकी बेसिक सैलरी 20,000 से ज़्यादा भी हो। दोनों कंडीशन मैच अगर करेगा तो यस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलिए फॉर्मूला यूज करते हैं, इक्वल टू इफ, टैब प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट, लॉजिकल टेस्ट में यहाँ पे हम लिखेंगे एंड, एंड देने के बाद अब देखिए जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट का कलर थोड़ा सा डिफरेंट आया है, ऑरेंज कलर आ गया। तो एंड के बाद जो ब्रैकेट है उसमें हम सिलेक्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं लॉजिकल वन, यानी कि किसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करेंगे कि मैनेजर है, यानी कि C2 यहाँ पे सेलेक्ट होगा, मैनेजर है। इक्वल टू क्या होना चाहिए, मैनेजर, तभी तो अल्फ़ाबेट है, न्यूमेरिकल है नहीं, तो हमें अल्फ़ाबेट है तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा देना पड़ेगा और यहाँ लिखना पड़ेगा MANAGER, मैनेजर, और इन्वर्टेड कॉमा बंद करेंगे, फिर कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद दूसरा जो लॉजिक है, दूसरा लॉजिक में कहता है कि उसकी सैलरी भी होनी चाहिए 20,000 या 20,000 से ज़्यादा।
तो पहले हमने सेलेक्ट किया C2 होना चाहिए मैनेजर, यानी कि ये डेजिग्नेशन है वो मैनेजर होना चाहिए, और जो D2 है इक्वल टू ग्रेटर देन, D2 में इक्वल टू ग्रेटर देन 20,000, ये हमने दे दिया। अब यहाँ पे हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो आप देखिए कौन सा कलर आ रहा है, यानी कि हमने एंड वाला ब्रैकेट क्लोज किया है। एंड का जो कलर है ये एंड के स्टार्टिंग में जो ये वाला कलर था, ये कलर आपको यहाँ मिल गया। अब उसके बाद हम देंगे कॉमा, अब यहाँ पे वैल्यू ट्रू और फॉल्स देना है। यहाँ पे नीचे देख रहे हैं वैल्यू ट्रू है और दूसरा वाला वैल्यू फॉल्स है, तो पहले ट्रू का वैल्यू देना है। तो इसको हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करेंगे, येस करेंगे एंड देन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा देंगे। अब कहता है वैल्यू फॉल्स वाला है यहाँ देने के लिए, तो फिर यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा नो, और यहाँ ब्रैकेट बंद करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक ब्रैकेट ले लेगा। एंटर करेंगे, येस करेंगे। अब यहाँ देखिए इसको जैसे हमने ड्रॉप डाउन किया नीचे, कंडीशन क्या है, ये मैनेजर है और 22,000 रुपये सैलरी है, तो यस बोनस मिलेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए क्लर्क है लेकिन 25,000 रुपये सैलरी है, तो दोनों कंडीशन मैच नहीं कर रहा है, यानी दोनों कंडीशन मैच होने चाहिए। अब ये मैनेजर है लेकिन इसकी सैलरी 18,000 रुपये है, 20,000 नहीं है, तो इसको बोनस नहीं मिलेगा। इसमें कोई कंपलसरी नहीं है कि मैनेजर ही हो, ये एक आपको एग्जांपल के लिए बताया जा रहा है, इसको दिल पे लेने वाली बात नहीं है कि हम क्लर्क है तो हमको नहीं मिला या प्यून है तो नहीं मिला, क्योंकि प्यून की भी तो सैलरी ज़्यादा है, 19,000 है। तो ये कंडीशन है फार्मूला के लिए, तो फार्मूला मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसे कॉपी किया और नोट पैड ओपन करके और इसमें मैं पेस्ट कर देता हूँ, इसको बड़ा करके दिखाता हूँ। यहाँ से आप नोट कर सकते हैं आराम से फॉर्मूला को, इफ़ एंड और इफ येस और नो दोनों लग रहा है। अब चलते हैं दूसरी फार्मूला पे। दूसरा फार्मूला है तो ये जो नेक्स्ट फार्मूला है इफ़ और, अभी मैंने दिया था इफ़ एंड, एंड का एंड का एग्जांपल आपने समझ लिया। मैं दूसरे तरीके से समझा देता हूँ। या आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाने जाते हैं तो आपको पूछता है कि यार आधार कार्ड भी होना चाहिए और वोटर आईडी कार्ड भी चाहिए, तो यहाँ पे ये एंड मतलब आधार कार्ड और निर्धार कार्ड एंड ड्राइविंग लाइसेंस दोनों चाहिए। अगर दोनों कंडीशन मैच हो रहा है तो आपका बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। लेकिन दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि आइदर और, दोनों में से एक कोई होना चाहिए, या तो आपके पास लाइट बिल हो या फिर आपके पास वोटर आईडी कार्ड हो, तभी आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा, यानी कोई एक चीज़ चाहिए, तो यहाँ पे और कंडीशन लगेगा। तो और के लिए हमें क्या करना, तो और फार्मूला में क्या है, इस फार्मूला में हमें पहले इक्वल टू इफ़ सेलेक्ट करेंगे, इफ़ के बाद हमें जो देना है और देना है, और अब और में क्या होगा, या तो मैनेजर होना चाहिए या फिर बेसिक सैलरी 20,000 से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने लिखा और इफ़ के बाद और, अब ब्रैकेट आपका स्टार्ट होता है, देखिए कौन से कलर का है। अब आगे हम वही कलर्स के ब्रैकेट जैसे क्लोज करेंगे सेम कलर ले लेगा। तो हमने पहले सेलेक्ट किया मैनेजर यहाँ पे, उसके बाद हम इक्वल टू लिखेंगे, इक्वल टू मैनेजर इन्वर्टेड कॉमा बंद करेंगे, कॉमा देंगे। अब दूसरा कंडीशन क्या है, बेसिक सैलरी, तो बेसिक सैलरी हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे, D2 अपने आप सेलेक्ट कर लेगा, D2 यहाँ पे होगा इक्वल टू ग्रेटर देन, क्योंकि ये नंबर है तो नंबर में हमें इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाना है, हम यहाँ दे देते हैं 20,000। और जैसे ही हम ब्रैकेट बंद करेंगे तो देखिए ब्रैकेट जो और के बाद वाला ब्रैकेट है वो ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हुआ है। अब करेंगे कॉमा, कॉमा देंगे और यहाँ पे फिर वही है ट्रू और फॉल्स वाला कंडीशन। तो यहाँ पे हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यस और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नो, यानी कि ये दोनों में से एक क्राइटेरिया अगर मैच कर गया तो यस बोनस मिलेगा, और नहीं मैच किया दोनों में से कोई भी तो बोनस नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और फिर यस करेंगे, यस करेंगे और इसको ड्रॉप डाउन करते हैं। ड्रॉप डाउन किया, अब देखिए ये मैनेजर है और इसकी सैलरी बेसिक सैलरी कितनी है, 20,000 से कम है, लेकिन एक क्राइटेरिया मैच कर गया। अब यहाँ पे क्या था, दोनों क्राइटेरिया मैच करना चाहिए, इसीलिए बोनस नो था। लेकिन यहाँ पे
एक क्राइटेरिया मैच कर रहा है, यानी कि मैनेजर तो है कम से कम। अब यहाँ पे देखिए, ये सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर है, मैनेजर तो है नहीं, और बेसिक सैलरी भी इसकी 16,000 है, यानी कि 20,000 से कम है, तो यहाँ पे नो हो गया। यहाँ पे मैनेजर है लेकिन 20,000 से कम सैलरी है। अच्छा, यहाँ पे देखिए क्लर्क है, मैनेजर नहीं है लेकिन सैलरी 20,000 से ज़्यादा है, यानी 25,000 है, तो देखिए बोनस मिल रहा है। तो इस तरीके से इफ और फॉर्मूला यहाँ पे लग गया। अब एक चीज़ इसमें और आप जोड़ सकते हैं कि जैसे जहाँ नो है, येस है, वहाँ पे हम ग्रीन कलर दे देते हैं, नो है उसको रेड कलर से कन्वर्ट कर देते हैं, रेड कलर आ जाएगा। तो हम पहले क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट कर देते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे सिंगल, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और हाईलाइट सेल टेक्स्ट दैट कंटेन, यहाँ पे यस होगा तो कौन सा कलर होना चाहिए, ग्रीन कलर होना चाहिए, यस कर दिया। और फिर इसी में एक और कंडीशन लगाएंगे कि टेक्स्ट दैट कंटेन, यानी कि कौन सा रहेगा, अगर नो है तो रेड कलर होना चाहिए। अभी मैं इसको नीचे ड्रॉप डाउन करता हूँ। अब देखिए ये सारा का सारा अपने आप एक्सेप्ट कर लिया। अब येस है तो ग्रीन है। अब सेम चीज़ हम इसमें भी लगा सकते हैं। यहाँ पे पहला सेल में सेलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट रूल में टेक्स्ट एट कंटेन, यहाँ पे येस येस रहेगा तो ग्रीन कलर होना चाहिए, येस कर दिया। और इसी में दूसरा कंडीशन हम लगा देंगे, टेक्स्ट एट कंटेन नो, नो में रेड आएगा। अब इस पर डबल क्लिक करें या फिर ड्रॉप डाउन करेंगे, ये क्या किया, ऑटोमेटिक यस एंड नो पे कलर, ऑटोमेटिक यस और नो में अकॉर्डिंगली कलर दे दिया। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी आपको इसमें मिल गया। तो यहाँ पे है इफ फॉर्मूला, इफ एंड फॉर्मूला एंड इफ और फॉर्मूला। थैंक यू। इस फॉर्मूला से आपको कुछ वर्ड्स मिलता है, आपको लगता है कि कुछ सीखा आपने, तो इसको आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और बहुत मेहनत से बनाते हैं। लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।